ਸਸ਼ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਮਨ ਜੇਟਲੀ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम जानकारी तुहाडे तक पहुंचावांगे पर सब तो पहला अहम खबर जिहड़ी कि किसानी दे नाल जुड़ी हुई है मुख्यमंत्री दे निर्देश यानी कि मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह दे निर्देश ते शुगरफेड वालों सूबे दियां 9 सहकारी खंड मिलां नूं 100 करोड़ रुपए जारी कर दिते गए ने वड्डा अपडेट है किसानी नूं लैके एक वड्डी खबर है राहत भरी खबर है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सहकारिता मंत्री नूं मिलां राही किसानां नूं तुरंत अदायगी देण दे लई यकीनी बनाने के लिए किया है। तुहानूं दस दईए कि पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वीरवार नूं सहकारिता मंत्री नूं निर्देश दिते कि उह सूबे दीआं 9 सहकारी खंड मिलां राहीं किसानां दीआं साल 2019-2020 लई अदायगियां तुरंत करनी यकीनी बनाउण अते खंड मिलां नूं शुगरफेड वल्लों 100 करोड़ रुपए जारी कीते गए ने। सरकारी बुलारे ने दस्सिया कि मुख्यमंत्री दे निर्देशां उत्ते शुगरफेड वल्लों साल 2019-20 दे पिड़ाई सीजन दे लई किसानां नूं अदायगियां देण दे लई 100 करोड़ रुपए जारी कीते गए ने ते मुख्यमंत्री ने सहकारिता मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा नूं कहा कि उह सहकारी मिलां नूं निर्देश जारी करन कि किसानां दे खात्यां दे विच बिना किसे देरी दे नाल अदायगी जिहड़ी है कीती जाए। 100 करोड़ रुपए जारी करन दे नाल सहकारी खंड मिल साल 2019-20 दे पिड़ाई सीजन दे बकाया पई 486.23 करोड़ दी राशि विचों 349.5 करोड़ रुपए की अदायगी कर सकेगी। साल 2018-19 के सीजन के लिए नवांशहर बुढ़ेवाल मोरिंडा फाजिलका गुरदासपुर अजनाला नकोदर भोगपुर ते बटाला दिया खंड मिलों के वलों पहला ही भुगतान जड़े ने कर दिए गए सन। तुहानू दस दईए कि सहकारिता मंत्री सरदार रंधावा ने किसानों नू विश्वास दवाया है कि साल 2019-2020 की बाकी बचती अदायगी का भी जल्द भुगतान जिहड़ा है कर दिता जाएगा। वड्डी खबर किसानी दे नाल जुड़ी हुई है। सरदार रंधावा ने किसानां दी भलाई दे लई सूबा सरकार दी वचनबद्धता दोहरांदिया कहा है कि कोरोना महामारी अते लॉकडाउन दे कारण सरकारी मालीए दे विचों भारी गिरावट दे बावजूद गन्ना किसानां दे बकाए दा जल्दी भुगतान करन दे लई ओह हर संभव कोशिश करनगे। तां वड्डा अपडेट किसानी दे नाल जुड़िया मुख्यमंत्री दे निर्देश ते शुगरफेड दे वल्लों सूबे दियां 9 शुगर मिलां यानी कि सहकारी खंड मिलों 100 करोड़ रुपए जारी किए गए ने। हालांकि किसान साडा अन्नदाता जिसनों हर वार कदी मौसम की मार झेलनी पैंदी है कदी सरकारा वालों आए फैसले चाहे वह डीजल दीआं वधदीआं कीमतां नूं लैके होण पर एक राहत भरी खबर जरूर सांझी की गई है। सूबा सरकार दे वल्लों 100 करोड़ रुपए जारी किए गए ने 9 सहकारी खंड मिलों 100 करोड़ रुपए जारी करन दे हुक्म दिते गए ने। किसानां दे खात्यां दे विच जल्द तो जल्द ये रकम बिना किसी रुकावट तो पाउण दे निर्देश भी मुख्यमंत्री पंजाब ने जारी कर दिते ने। ते हुण तुहानूं दसांगे कोरोना दे नाल जुड़े कुछ नवे आंकड़े। पिछले 24 घंटे दौरान 120 नवे मामले सामने आए ने। 120 नवे मामले पंजाब दे वख-वख जिलों तो सामने आए ने। लुधियाणा तो 39 नवे मामले सामने आए ने। वड्डी चिंता दा विषय एड्डी वड्डी गिणती क्योंकि कोरोना दे नाल जुड़ी हुई है। एक व्यक्ति जे परिवार के एक व्यक्ति नूं एक जी नूं इह महामारी हो जाती है तो बाकी परिवारक मैंबरां नूं भी खतरा रहिंदा है। तो 39 की गिणती नवी गिणती पिछले 24 घंटे के दौरान की सांझी की जा रही है इस मीडिया बुलेटिन के राही। 16 की गिणती जिहड़ी है जलंधर शहर तो पिछले 24 घंटे के दौरान 16 नवे मामले जलंधर तो 6 पटियाला 6 SAS नगर गुरदासपुर तो 5 2 तरन तारण 1 हुशियारपुर 6 मुक्तसर 1 फतेहगढ़ साहब 2 फरीदकोट रोपड़ तो 5 मोगा तो 3 फाजिलका तो 5 फिरोजपुर तो 4 बठिंडा तो 6 कपूरथला तो 9 ते बरनाला तो 4 नवे मामले पिछले 24 घंटे के दौरान पंजाब तो सामने आ चुके ने। 120 कुल मामले 24 घंटे के दौरान पंजाब तो सामने आए ने। उते ही 155 लोगों ने रिकवरी की है। 55 लोग सेहतयाब होकर घर वापसी कर चुके ने पर पिछले 24 घंटे के दौरान 3 मौतां भी पंजाब दे विच होईयां ने। 1 मौत अमृतसर 1 बठिंडा अते 1 मौत संगरूर दे विच होई है। तुहानूं दस दईए कि 27 मरीज़ अजे भी ऑक्सीजन सपोर्ट ते ने। 27 मरीज़ अजिहे ने जिन्हां नूं साह लैण दे विच दिक्कत आ रही है ते उन्हां नूं ऑक्सीजन सपोर्ट ते रख्या गया है ते 2 मरीज़ अजिहे ने जिहड़े कि जिन्हां दी हालत नाजुक दसी जा रही है वेंटीलेटर ते दस्या जा रहा उन्हां नूं। 152 मौतां अज दीआं 3 मौतां दी गिणती नूं मिला के 152 मौतां हुण तक पंजाब दे विच हो चुकियां ने। देश दे हालात भी
कुछ चंगे कुछ सुधरते होंगे सुधार जिहड़ा है हालात दे विच दिखाई नहीं दे रहा। 19,000 तो वध दे मामले पिछले 24 घंटे के दौरान भारत तो दर्ज किए गए ने। मौतों की गिनती वध रही है। ग्राफ जिहड़ा है जिहड़ा वधदा ग्राफ है कोरोना वायरस दे नाल जुड़िया मरीजों दे नाल जुड़िया एक वड्डी चिंता का विषय बनिया होया है। उथे ही जेकर गल की जाए कुल गिनती की तो 5,784 लोग हुण तक इस जंग का हिस्सा बन चुके ने। पॉजिटिव आई मरीजों की गिनती 5,784 की दसी जा रही है। 1,488 मरीज एक्टिव केसिज यानी कि 1,488 लोग जिहड़े ने जिन्हां दी रिपोर्ट पॉजिटिव है जेरे इलाज ने वक्खो वक्ख हस्पताल या कह लो आइसोलेशन इंस्टीट्यूट्स दे विच। 4,144 मरीज रिकवरी हुण तक पंजाब दे विच कर चुके ने। चंगी गल है कि मौतां दा आंकड़ा 152 का जिस तरह दस्या जा रहा है तो रिकवरी का आंकड़ा 4,144 का। चंगी गल है चंगा संकेत कि रिकवरी का आंकड़ा काफ़ी हद तक ज़्यादा है। जिहड़े एक्टिव केसिज ने जिहड़े मरीज ने जिहड़े इस वेले कोरोना वायरस के नाल इस महामारी के नाल जूझ रहे ने रिकवरी के आंकड़े तो आंकड़ा काफ़ी घट है 1,488 का। हालांकि गिणती जे देखी जाए तो ज़्यादा भी कह सकते हैं ज़्यादा भी है ये गिणती। बहुत सारे लोग जिहड़े कोरोना वायरस का शिकार हुए ने जेरे इलाज ने आइसोलेशन इंस्टीट्यूट्स के विच। उम्मीद करते हैं कि वध तो वध कोशिश साढ़े सेहत माहरां दे वल्लों कीती जावे इन्हां नूं जल्द तो जल्द सेहत याब करन दी ते रिकवरी दे आंकड़े दे विच होर इजाफा होवे। लगातार ये अपडेट्स असीं तुहाडे तक पहुँचाउंदे रहांगे। हालांकि अज वड्डी खबर किसानी दे नाल जुड़ी असीं तुहाडे नाल सांझी कीती है। दूजी वड्डी खबर बीती देर रात अनुपम खेर वल्लों गुरु गोबिंद सिंह जी दी बाणी दी इक तुक नूं जिहड़ा तोड़ मरोड़ के पेश किया गया जिस तों बाद अनुपम खेर अते उहनां दी पत्नी मैंबर पार्लीमेंट किरण खेर नूं लै के लोकां दे विच गुस्सा रोस प्रदर्शन असीं देखिया। पुतले फूक के रोस प्रदर्शन किया गया उते ही नारेबाजी की गई उहनां दे खिलाफ। मैंबर पार्लीमेंट लुधियाणा तों रवनीत सिंह बिट्टू ने ट्वीट करके देश दे मुख्यमंत्री नरेंद्र देश दे माफ करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तों नरेंद्र मोदी नूं अपील की थी कि किरण खेर नूं जल्द तो जल्द किकआउट कर दिता जाए। पर फिलहाल दी कड़ी अजिहा कोई अपडेट सामने नहीं आया पर रोस दे विच आके ट्वीट जरूर किया सरदार अवनीत सिंह बिट्टू मैंबर पार्लीमेंट ने क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी की बाणी तो उस तुक नूं तोड़ मरोड़ के पेश किया गया सी जिस तों बाद एक नोटिस भी जिहड़ा जारी किया गया अनुपम खेर नूं ईमेल दे राही। उस नोटिस की तस्वीर मैं अपनी PCR टीम नूं बेनती करांगी कि उस नोटिस की तस्वीर भी तुहाडे तक पहुँचाउंदी करन। जिहड़ा नोटिस अनुपम खेर नूं जारी किया गया जिस विच हालांकि अनुपम खेर वालों एक होर ट्वीट करके माफ़ी मंगी गई तो सही शब्दों का इस्तेमाल किया गया पर हले तक इस गल नूं लै के संगता दे विच रोस जिहड़ा उह देखण नूं मिल रहा है। पुतले फूके गए नारेबाजी की गई अनुपम खेर के खिलाफ माफी मंगन दे लई कहा गया। तस्वीर तुसी देख रहे हो मैंबर पार्लीमेंट रवनीत सिंह बिट्टू दे ट्वीट दी। इस तो बाद वो तस्वीर तुहानू दिखावांगे जिस विच एक लीगल नोटिस भेजा गया अनुपम खेर नू ईमेल दे राही। मामला पखदा नजर आ रहा है अनुपम खेर दियां मुश्किलां वधदियां नजर आ रही ने। वधेरे अपडेट्स लैके असीं जल्दी हाज़र हुंदे रहांगे। तद तक दे लई तुसीं जुड़े रहो डेली पोस्ट पंजाबी दे नाल ते मैनूं दो इजाज़त। धन्नवाद।